दोस्तों नेटफ्लिक्स ने आज एक नई वेब सीरीज को रिलीज कर दिया है जिसका नाम है डेविल इन ओहियो। दोस्तों अगर आप एक अच्छी वेब सीरीज का काफी टाइम से वेट कर रहे थे तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहिए। सीरीज में हमें 8 एपिसोड्स देखने को मिल रहे हैं जो कि हिंदी लैंग्वेज के साथ में आते हैं, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। बात करेंगे सीरीज में क्या कुछ जबरदस्त है जिसकी वजह से आपको इसे देखना चाहिए। जाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों हमें कहानी देखने को मिली एक ओहियो की। ओहियो दोस्तों एक जगह है जहाँ पर दोस्तों एक खुफिया जगह आप कह सकते हैं, मतलब एक भूल भुलैया जैसी, जहाँ पर दोस्तों जंगल जैसी जगह होती वैसी नहीं, दोस्तों जो फसलें होती है लंबी लंबी एक दोस्तों घासे वाली वैसी जगह ओहियो दोस्तों हमें इसमें देखने को मिली है। कहानी है मैं दोस्तों एक ऐसी लड़की है जो कि खो जाती है उस जगह पर और वहाँ पर कुछ डेविल वाली चीज़ें हो रही है, लेकिन वहाँ से दोस्तों किस तरह से वो बच के निकलती है वो आपको एपिसोड 1 में देखने को मिलता है। वहाँ से बच के निकलने के बाद वो हाथ लगती है दोस्तों एक डॉक्टर के, क्योंकि वो कई ज़्यादा घायल हो चुकी होती है। वो दोस्तों हाथ लगती है डॉक्टर सुजैन के। डॉक्टर सुजैन भी जानना चाहती है आखिर इस लड़की के साथ में क्या हुआ है, वो सारी डिटेल्स दोस्तों उसके निकालने की कोशिश करती है। लेकिन ऐसे में उसे एक घर की ज़रूरत होती है तो डॉक्टर सुजैन उसे अपने साथ ले जाती है। और दोस्तों इन दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया। एक अनजान लड़की के लिए डॉक्टर सुजैन की क्या फीलिंग होती है वो देखकर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आपको भी अच्छा लगेगा अगर आप सीरीज देखोगे तो। उसके बाद कहानी धीरे धीरे बिल्डअप होने लगती है और सुजैन दोस्तों जानने की कोशिश करती है आखिर इसकी हिस्ट्री क्या है इस लड़की की। तो दोस्तों अपॉइंट करती है और कंप्लेंट करती है डॉक्टर डिटेक्टिव एक्सेक्स से, डॉक्टर दोस्तों एलेक्स जो एक ऐसा डिटेक्टिव है जो कि उसकी हिस्ट्री बताने की पूरी कोशिश करता है और दोस्तों ओहियो के बारे में पूरी जानकारी निकालता है। वहाँ पर सीरीज जो है वो आपको इंटरेस्टिंग लगना बहुत ज़्यादा ही शुरू हो जाती है। हिंदी डबिंग सीरीज की बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको देखने में मजा आएगा कि मेक के क्या सीक्रेट छुपे हुए हैं, क्या कुछ उसके साथ चीज़ें जुड़ी हुई है जिसके वजह से डेविल वाली चीज़ें हो रही है, सुजैन का क्या होता है, बहुत कुछ दोस्तों इस सीरीज में दिखाया गया है जो कि एंटरटेनिंग है और एंगेजिंग है। दोस्तों पूरी सीरीज मुझे पर्सनली बढ़िया लगी है जिसमें 8 एपिसोड्स आ रहे हैं। आपको दोस्तों वैसे तो ये मिनी सीरीज है लेकिन आपको लगेगा कि और एपिसोड्स होते तो मज़ा आ जाता। लोग दोस्तों आपको इस सीरीज को ज़रूर देखना चाहिए अगर आप काफ़ी टाइम से थ्रिलर और दोस्तों थोड़ी हॉरर टाइप की सीरीज का वेट कर रहे थे तो इसे एक बार ज़रूर से देख सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।